योगी सेना के जिला अध्यक्ष एवं गुप्ता की ओर से नगर वासियों व देश वासियों को दीपावली एवं भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार जेट। इटावा जिले के भटना में भाजपाइयों द्वारा एवं योगी सेना के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आज भटना में जागरूक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के लोगों ने भाजपाइयों ने योगी सेना के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। भाजपा जिला अध्यक्ष माननीय श्री महेश दुबे जी, लोकप्रिय विधायक श्रीमती सावित्री कटेरिया जी एवं भटना नगर अध्यक्ष हरिओम दुबे एवं भटना नगर उपाध्यक्ष सुधीर कटेरिया जी एवं समस्त बीजेपी कार्यकर्ता एवं योगी सेना के जिला अध्यक्ष शिवम गुप्ता जी और सेना के कार्यकर्ता सूरज कुमार, विशाल गुप्ता, देवराज आकाश गुप्ता, शुभम वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। समाचार टू जेड के लिए इटावा से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम गुप्ता जी है। जी शिवम गुप्ता जी, जो आज ये रैली निकाली गई है, इसका क्या लक्ष्य है? इसका लक्ष्य थोड़ा ये है, एकता जी, देश में एकता लाने की है जी, जो कि वल्लभ भाई पटेल जी की, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जी। एक बहुत बड़ा स्टैचू गुजरात में बनवाया गया है, विश्व का सबसे बड़ा स्टैचू। अच्छा, आज इस रैली में कौन कौन नेता इटावा जिले के मौजूद रहे? आज की रैली में हमारे माननीय श्री महेश दुबे जी, जिला अध्यक्ष बीजेपी के जी, और क्षेत्रीय विधायिका श्रीमती सावित्री कटेरिया जी जी, और नगर अध्यक्ष, नगर महामंडल अध्यक्ष जो कि हमारे सुधीर कटेरिया जी हैं जी, और भटना के काफ़ी बीजेपी नेता प्रभाकर गुप्ता, प्रभाकर गुप्ता जी रहे मौजूद। और योगी संगठन के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? योगी सेना जो कि एक सबसे बड़ा संगठन है जी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संगठन है जी, जो कि धरातल पे काम कर रही है अपने स्तर पे जी, और हिंदू को एक करने के लिए, हिंदुत्व, हिंदुओं को बढ़ावा देने के लिए, हिंदुत्व एक करने के लिए काम कर रही है। और आप क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं क्षेत्र की जनता को देना चाहूँगा कि योगी सेना से जुड़े जी, अपने हिंदुत्व को बचाने के लिए, हिंदुत्व को एक करने के लिए जी, योगी सेना को सपोर्ट करें, जो कि योगी सेना कार्य कर रही है हमारे, जैसे कि सबसे बड़ा मुद्दा है योगी सेना का हिंदुत्व राष्ट्र बनाना जी, सबसे बड़ा योगी सेना का मुद्दा है हिंदुत्व राष्ट्र बनाना, और जैसे कि कश्मीर पे धारा 370 हटवाना जी, ये जो अपने हिंदुस्तान में घुसघाटी बैठे हुए हैं बांग्लादेशी और रोहिया, इन सबको सबसे बड़ा ये लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य है योगी सेना का कि योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री पद पे पहुंचाना, तभी हमारा देश। क्या लगता है आपको 2019 में किसकी सरकार बन पाएगी? देखो, जो योगी सेना है एक गैर राजनीतिक संगठन है जी, हमारा ना तो बीजेपी से कोई मतलब है ना और कोई पार्टी से, सिर्फ हम लोग हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहे हैं। अच्छा, जो आपकी पार्टी में बीजेपी अभी जो रैली निकाली गई है, इसमें बीजेपी के लोग मौजूद थे या अन्य? इसमें नगरवासी जी, लेकिन इसमें बीजेपी के नेता भी शामिल थे, आए हुए थे बीजेपी के नेता, हमारी योगी सेना भी और छोटे दल मौजूद रहे। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर कुमार सिंह है, सुधीर कटेरिया जी। मैं यहाँ पटना से मंडल उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी से जी, और प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय कटेरिया समाज विकास मंच से जी। आज ये जो रैली निकाली गई है, इसका मेन लक्ष्य क्या है, क्या आप बताएंगे? देश में आज रन फॉर यूनिटी नाम से एक कार्यक्रम चलाया गया है जी, हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 144वीं जो जन्मतिथि है, पुण्यतिथि है, उसके लिए ये एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उनकी 182 मीटर की एक विशालकाय जो दुनिया में सबसे बड़ी प्रतिमा है, उसका आज अनावरण हुआ है। उसके परिपेक्ष में आज सभी विधानसभाओं में रन फॉर यूनिटी नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें सर कौन कौन से लोग आज भाजपा पार्टी के लोग मौजूद हैं? इसमें हमारे भाजपा के जिलाध्यक्ष श्री शिव महेश दुबे जी, पटना की लोकप्रिय विधायक श्रीमती सावित्री कठेरिया जी, और भी भाजपा के सभी पदाधिकारी और योगी सेना के पदाधिकारी, पटना मंडल के सारे पदाधिकारी, सभी लोग शामिल हुए। और सर क्षेत्र के अंदर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? क्षेत्र की जनता को यही संदेश है हमारा कि प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहें। दीपावली पास में आने वाली है, सब लोग अपने अपने स्तर से साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, ऐसा कोई पटाखा वटाखा न चलाएं जिससे किसी को हानि पहुंचे।
चलिए धन्यवाद। योगी सेना के जिला अध्यक्ष एवं गुप्ता की ओर से नगर वासियों व देश वासियों को दीपावली एवं भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं।